इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि अगर आपका राशन कार्ड बना है तो कैसे आप अपनी फैमिली आईडी बनाएंगे, यदि आपका राशन कार्ड नहीं बना है तो आप कैसे फैमिली आईडी बनाएंगे और इसका रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, जिसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। फैमिली आईडी के रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले हमको आना होता है familyid.up.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया गया है। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने, यहाँ पर होम पेज पर हम आएंगे, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का एक हमको ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर हमको कैंडिडेट का जो मुखिया होता है परिवार का, उसका यहाँ पर हम नाम डालेंगे। फिर उसका मोबाइल नंबर हम किसी भी सदस्य का यहाँ पर डाल सकते हैं। सेंड ओटीपी पर हमको क्लिक करना है। सेंड ओटीपी पर हमने क्लिक किया, ओटीपी यहाँ पर आई है, हम ओटीपी डाल दें, नीचे कैप्चा कोड डाल के हमको यहाँ पर सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपको थैंक यू का एक मैसेज मिल जाएगा। फिर यहाँ पर साइन इन टू कंटिन्यू पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर हमको वो वाला मोबाइल नंबर डालना है जो हमारे आधार कार्ड से रजिस्टर्ड है। जो मुखिया होगा परिवार का, उसका यहाँ पर आपको नाम, उसका यहाँ पर मोबाइल नंबर आपको डालना है। इसके बाद सेंड ओटीपी पर हमको क्लिक करना है, ओटीपी यहाँ पर डालना है, नीचे हमको कैप्चा कोड डालना है, ऊपर मोबाइल नंबर, नीचे ओटीपी, फिर उसके बाद कैप्चा कोड, यहाँ पर हमको लॉगिन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर आधार संख्या डालनी है। यहाँ पर आपको एक आधार नंबर अपने परिवार का डालना है जो आपके राशन कार्ड में ऐड हो। बेहतर ये होगा कि जो फैमिली का मुखिया है उसका यहाँ पर आधार संख्या डालें। अगर उसके ऊपर मोबाइल नंबर लगा है तो वहाँ पर ओटीपी जाएगी। इन केस अगर मुखिया के आधार कार्ड पे मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है तो परिवार के किसी भी सदस्य का यहाँ पर आधार नंबर ऐसा डालना है जिसके ऊपर मोबाइल नंबर लगा हो। तो यहाँ पर आधार नंबर डालकर आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर आधार नंबर डाल के हम यहाँ से आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पर देखेंगे जो राशन कार्ड में हमारा एक कैंडिडेट था उसका यहाँ पर हमने नाम डाला, हालांकि जो मुखिया थे उनके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर नहीं लगा था, तो हमने परिवार के एक सदस्य का यहाँ पर डाला है तो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ गया। परिवार की कुल सदस्य संख्या भी हमको यहाँ पर शो हो जाती है। फैमिली आईडी प्रिंट करने के लिए यहाँ पर हमको देखना होगा और एक ओटीपी हमको भेजना होगा आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर। तो यहीं पर हमको सिंपली क्लिक कर देना है। इसके बाद हम देखेंगे कि जो हमने सदस्य के ऊपर जो रजिस्टर मोबाइल नंबर लगा था उसके ऊपर ओटीपी आ गई। लास्ट के 4 डिजिट मोबाइल नंबर के यहां पर देखे जा सकते हैं, तो इसी नंबर पर ओटीपी गई। ओटीपी डाल के हम यहां से वेरीफाई कर देंगे। ओटीपी हमने यहां पर डाल दिया है, इसके बाद वेरीफाई हम कर देंगे। ओटीपी वेरीफाई करने के बाद यहाँ पर आपकी फैमिली आईडी यहाँ पर लिखी हुई है, प्रिंट हेतु क्लिक करें। तो ये फैमिली आईडी हमारी राशन कार्ड की संख्या जो है वही हमारी फैमिली आईडी यहाँ पर बन गई है। तो इसको प्रिंट करने के लिए इसी पर हमको क्लिक करना है। यहाँ पर देखेंगे कि फैमिली आईडी यहाँ पर आ चुकी है। यहाँ पर जो एड्रेस आधार संख्या और फादर नेम और जो परिवार की संख्या है वो सब यहाँ पर संख्या भी आ जाती है और परिवार के नाम भी यहाँ पर आपको शो हो जाते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे प्रिंट का एक ऑप्शन दिया हुआ, तो यहाँ पर हम प्रिंट पर क्लिक करेंगे। इसको हम सेव करके अपने पास रख लेंगे और प्रिंट आउट इसको निकाल के अपने पास रख लेंगे। जो भी इसके लाभ हैं वो हमको मिलना शुरू हो जाता है। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि जिनका राशन कार्ड नहीं है वो लोग अपनी फैमिली आईडी कैसे बनाएंगे, तो इसी वीडियो में हम कवर करेंगे और आपको फैमिली आईडी बना के दिखाएंगे। दोबारा से आ चुके हैं हम पोर्टल पर। यहाँ पर हम उस फैमिली का रजिस्ट्रेशन करके आपको दिखाएंगे कि जिनका राशन कार्ड नहीं बना है। यदि आपका भी राशन कार्ड नहीं बना है तो आप फैमिली आईडी कैसे बना सकते हैं, इसके लिए हम इस वीडियो में आपको ये भी बताएंगे। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक किया, यहाँ पर हमने ओटीपी सेंड की थी, ओटीपी यहाँ पर डाल दी, मोबाइल नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है, कैप्चा कोड है, फिर इसको हम लॉगिन पर क्लिक करके लॉगिन कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा लॉगिन हो चुका है। यहाँ पर हम फैमिली के मुखिया का आधार नंबर डालेंगे, फिर आगे हम बढ़ेंगे। यहाँ पर फैमिली आईडी है तो रजिस्ट्रेशन आगे बढ़े, तो आगे बढ़े पर हम क्लिक कर देंगे। यहाँ पर देखेंगे हमको एक टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करनी होती है, यहाँ पर हमने एक्सेप्ट कर ली है। यहाँ पर एक मैसेज दिया जा रहा है, आपको एक यहाँ पर सुझाव दिया जा रहा है कि आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होना ज़रूरी है, तो ओटीपी भेजे पर हम क्लिक कर देंगे। ओटीपी हमारे मोबाइल नंबर पर भेजी गई, ओटीपी डालेंगे, फिर यहाँ से हम वेरीफाई कर देंगे। तो ओटीपी हमने यहाँ पर डाली हुई है, फिर वेरीफाई ओटीपी पर हम क्लिक कर देंगे। अगर ओटीपी नहीं तो रिसेंट ओटीपी पर भी आप क्लिक करके ओटीपी दोबारा से मंगा सकते हैं। यहाँ से हम वेरीफाई कर देंगे। यहाँ पर डाटा आधार कार्ड से उठकर आ गया। यहाँ पर कुछ डिटेल हमको डालनी होती है। यहाँ पर विवाहित हैं तो विवाहित, अविवाहित है तो विवाहित, तलाकशुदा या विधवा जो भी हो यहाँ पर कर देंगे। हमारे केस में विवाहित हैं तो विवाहित कर देंगे। यहाँ पति या पत्नी का नाम, यहाँ पर पत्नी का इनके फैमिली के डालना है।
मुखिया के पत्नी का नाम यहाँ पर डालना है, यहाँ पर हिंदी में नाम हो जाएगा, यहाँ पर मोबाइल नंबर, फिर यहाँ पर व्यवसाय आपको यहाँ पर डाल देना है। यहाँ पर पत्नी का नाम पड़ गया, यहाँ पर हिंदी में, यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल दिया, फिर यहाँ पर व्यवसाय में आपको कुछ भी लिख देना जो भी व्यवसाय करते हैं, फिर यहाँ से आगे बढ़े पर हम क्लिक कर देंगे तो डिटेल हमारी यहाँ पर आ जाती है। अगर कोई डिटेल आपको एडिट करना तो यहाँ पर एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको यहाँ से एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अगर फैमिली में और भी सदस्य हैं तो यहाँ पर आपको जोड़ते जाना, यहाँ पर आधार नंबर, जिस भी कैंडिडेट को हम यहाँ पर जोड़ेंगे उसका आधार नंबर यहाँ डालेंगे, फिर OTP भेजे पर हम क्लिक कर देंगे। यहाँ पर OTP हमने डाल दिया, यहाँ से हम इसको वेरीफाई कर देंगे। तो यहाँ पर नया कैंडिडेट जो हमने ऐड किया, तो ये मुखिया की पत्नी थी, हमने यहाँ पर इनको ऐड किया, इनका फोटो नाम वगैरह लिखकर आ गया है। यहाँ पर विवाहित है, यहाँ पर इनके पति का नाम हम डाल देंगे, यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल देंगे, और यहाँ पर इनका जो भी रिलेशन है वो यहाँ पर हम इनका डाल देंगे, वाइफ है तो वाइफ हम यहाँ कर देंगे। तो यहाँ पर हमने इनके जो है पति का नाम डाल दिया हिंदी में, यहाँ ऑटोमेटिक हो जाता, मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल दिया, यहाँ पर इनका रिलेशन, इनका जो व्यवसाय यानी कि गृहिणी है तो हमने गृहिणी यहाँ पर डाल दिया है। यहाँ पर सुरक्षित करें पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे आप सुरक्षित पे क्लिक करेंगे आपके यहाँ पर जो कैंडिडेट है वो जुड़ गया है। नेक्स्ट कैंडिडेट जोड़ने के लिए यहाँ पर उसका आधार नंबर हमको डालना है। तो इसी तरीके से हमने ऐड किया, आधार नंबर डाल के OTP लिया, यहाँ पर कैंडिडेट आ गया, ये इनका बच्चा है। तो यहाँ पर इनकी जो डिटेल जिस तरीके से हमने भरी थी उसी तरीके से ये डिटेल आपको फिल कर देना है। तो यहाँ पर कैंडिडेट जो आया था उसका यहाँ फोटो दिख गया हमको, यहाँ पर अविवाहित है यानी कि बच्चा है छोटा सा, और यहाँ पर मोबाइल नंबर हमने डाला, यहाँ पर आवेदक का संबंध डाटर है यानी कि पुत्री, और इनका काम छात्रा है तो हमने यहाँ पर छात्रा डाली, स्पेलिंग गलत है, इसको हमको सही कर लेना है। इसके बाद हम सुरक्षित कर देंगे। तो इसी तरीके से परिवार में जितने भी सदस्य उनको 1x1 स्टेप बाई स्टेप सारे आपको यहाँ पर एड कर देना है। तो यहाँ पर जितने कैंडिडेट थे 1, 2, 3, 4, 5 कैंडिडेट थे यहाँ पर जुड़ गए, ये पति और पत्नी हो गए, नीचे इनके बच्चे हो गए। तो इसी तरीके से आपको 1x1 स्टेप बाई स्टेप सारे कैंडिडेट को आपको यहाँ पर ऐड कर लेना है। फैमिली डिटेल ऐड करने के बाद सभी सदस्यों के जुड़ जाने की दशा में पता जोड़ने हेतु आगे यहाँ पर हमको बढ़ना होता है पता डालने के लिए, जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है। तो यहाँ पर अगर आप शहर से हैं तो शहरी पर टिक करेंगे, ग्रामीण से हैं तो ग्रामीण पर आप टिक करेंगे। तो हम यहाँ पर शहरी से हैं, कैंडिडेट जो है वो शहरी से है, तो यहाँ पर हम उनका डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर हम चेंज करेंगे। इसके बाद यहाँ पर जो तहसील है इनकी वो यहाँ पर हो जाएगी, यहाँ पर हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर, लैंडमार्क और यहाँ पर पता वगैरह पिन कोड नंबर डाल के हम यहाँ से सुरक्षित कर देंगे। तो यहाँ पर हाउस नंबर अगर आपके पास नहीं तो 00 डाल देंगे, यहाँ पर आपको अपना मोहल्ला डाल देना है। इसके बाद यहाँ पर लैंडमार्क अगर आपका है तो डालना, वरना कोई ज़रूरी यहाँ पर नहीं होता। इसके बाद यहीं पर पता आपको डाल देना है। यहाँ पर इस पते पर कोई कर्मचारी आएगा, कोई अधिकारी आएगा जो कि आपका वेरिफिकेशन करेगा, तो यहाँ पर पता आपको पूरा डालना है। यहाँ पर पिन कोड नंबर डाल के सुरक्षित करके आगे बढ़ जाना है। नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे, ये हमारा 5 स्टेप होता है यानी कि आखिरी स्टेप है, फिर यहीं पर हम इसका वेरिफिकेशन कर देंगे, यहीं से फाइनल सबमिट हमारा होता है। नीचे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे आपको यहाँ पर फाइनल सबमिट करने का ऑप्शंस मिल जाता है, यहाँ पर आपको एक्सेप्ट कर लेना, फिर यहाँ पर फाइनल सबमिट पर आपको क्लिक कर देना होता है। यहाँ पर देखेंगे आपकी फैमिली आईडी है, ये आपको नोट करके रख लेना है। वेरिफिकेशन नंबर आपको यहाँ पर मिल जाता है, प्रिंट हेतु आपको यहीं पर क्लिक कर देना है। तो आप यहां पर देखेंगे हमारी फैमिली आईडी बनके तैयार हो गई। ये फैमिली आईडी आप भी इसी तरीके से, जिनका राशन कार्ड नहीं है उनका भी यहां पर फैमिली आईडी आप बना सकते हैं। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट अपकमिंग जो सर्विसेज होंगी और जो भी कल्याणकारी योजनाएं होंगी, उन लोगों का फैमिली आईडी कार्ड बन जाने के बाद उनको सरकारी योजनाओं का फ़ायदा मिलना शुरू हो जाएगा। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि जिनके पास फैमिली आईडी होगी उनको जो है राशन कार्ड की मिलने की जो सुविधा होती है, जो फ्री में राशन कार्ड राशन मिलता है, उनका भी यहाँ पर लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। अभी ये कंफर्म नहीं, लेकिन उम्मीद यही जताई जा रही है कि जिनका फैमिली आईडी बना उनको राशन कार्ड से भी जोड़ा जाएगा, उनको जो राशन कार्ड के बेनिफिट होते हैं उनको यहाँ पर मिलेंगे। यहाँ पर देखेंगे यह कार्ड सिर्फ उत्तर प्रदेश सरकार योजनाओं के लिए मान्य, जो उत्तर प्रदेश सरकार योजनाएं चलाएंगे वहाँ पर ये कार्ड माना जाएगा। तो अगर आपका भी कार्ड नहीं बना तो इस वीडियो को फॉलो करके अपना कार्ड बना सकते हैं। अगर आपको वीडियो को लेकर कोई भी सवाल है, कोई भी आपके प्रश्न है तो कमेंट में आप कर सकते हैं, जिसका आपको रिसेंटली जवाब हम देते आ रहे हैं।
चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप जरूर जाइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक आप जरूर कर देना। ये वाला प्रिंट आउट निकाल के आपको अपने पास रख लेना है और हमारी वीडियो यहीं पर कंप्लीट हो जाती है।